नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप ये मान के चलें कि भारत और चीन का युद्ध होने वाला है, तो इस वीडियो में क्लियर बात होगी कि इस युद्ध को भारत जीतेगा या चीन जीतेगा। इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा कि चीन को तो ये पता ही नहीं है कि हिमालय में मिसाइल हमला करने में क्या क्या दिक्कतें आई। हमने करगिल युद्ध लड़ा इसलिए हमको पता है कि क्या दिक्कतें आती है, इसलिए हमारे पास उन दिक्कतों को हमने पूरा किया। और आज हम हिमालय के किसी भी भाग में मिसाइल हमला कर सकते हैं, जो कि चीन नहीं कर सकता है क्योंकि उसने युद्ध नहीं लड़ा है। दूसरा सुनने को मिलेगा, भारत चीन ने जितना निर्माण कार्य अपनी सीमा पे किया है, भारतीय मिसाइलें केवल 5 दिन में उसका सारा निर्माण कार्य को खत्म कर सकती है, नष्ट कर सकती है, चीन का रास्ता बंद हो जाएगा। तीसरा सुनने को मिलेगा कि 1971 में जब अमेरिकी सेना ही हिंद महासागर से भारत पे हमला करने में सफल नहीं हुई, तो चीन का मात्र एक एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे हिंद महासागर में भारत पे हमला करेगा। चौथा सुनने को मिलेगा कि भारतीयों को ये तो पता है कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो हाइपरसोनिक है, लेकिन उसकी ये खूबी, जिस काम के लिए उसको बनाया गया वो किस काम के लिए बनाया गया, ये भी इस बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों कम्युनिस्ट देश जरूर टूटते हैं, सोवियत संघ इसका उदाहरण है। चाहे वो आज टूटे चाहे वो 10 साल बाद टूटे, लेकिन कम्युनिस्ट देश एक प्रकार की जो मोनार्की शासन प्रणाली है वो जरूर टूटती है। तो चीन भी लगभग जरूर टूटेगा। अब वो कब टूटता है, मुझे तो लग रहा है कि कहीं इसी समय चीन के टुकड़े ना हो जाएं। भारत चीन युद्ध होने की पूरी संभावना है, और यदि अमेरिका इस युद्ध में कूद गया तो तिब्बत का आजाद होना लगभग फाइनल है, उसे कोई नहीं बचा सकता है। ऐसा नहीं है कि चीन पहला हमला करेगा, मुझे लगता है कि पहला हमला भारत ही करेगा। वो क्यों करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देखा था, एक तो वो चीन ने चकनाचूर कर दिया। दूसरा, चीन से जो कंपनियां भाग रही है उनमें से कुछ 30-40% 20% भारत में आना चाहती है, तो चीन भारत को जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहा है ताकि वो कंपनियां भारत में ना आए। इसलिए नरेंद्र मोदी चीन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। नरेंद्र मोदी ही नहीं, नरेंद्र मोदी की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी चीन के ऊपर बहुत गुस्सा है, और विपक्षी पार्टियां भी चाहती है कि भारत एक बार चीन को सबक सिखाए। तो जरूरी नहीं है कि चीन भारत के ऊपर हमला करेगा, इस समय ऐसा भी हो सकता है कि भारत ही चीन के ऊपर हमला कर दे। इस समय भारतीय सेनाएं अच्छे से जानती है कि भारतीय सेनाओं के साथ में यदि अमेरिका की थोड़ा पावर काम कर गई साउथ चाइना सी से, तो भारत पूरे तिब्बत को कब्जा कर सकता है। देखिए यहाँ पर क्या बात है कि चीन को पहाड़ी युद्ध लड़ने का अनुभव बिल्कुल नहीं है। चीन ने जो युद्ध लड़े वो बहुत पुराने जमाने में लड़े, लेकिन भारत ने पहाड़ों में 1999 में कारगिल वार लड़ी, तो भारत को समझ में आया कि पहाड़ों पर मिसाइल हमला कैसे करना है। और अभी तक कोई ऐसी मिसाइल नहीं बनी है जो 80-90 डिग्री पे घूम जाए। सही से कहें तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल को 360 डिग्री पे भी घुमा सकता है, यानी पहाड़ तो रहा दूर, कहीं पर भी हमला कर सकता है। भारत ने कारगिल वार जब लड़ी तो उसको पहली बार समझ में आया कि लेजर गाइडेड बम भी इतने उपयोगी नहीं है, मिसाइल हमला होना बहुत जरूरी है पहाड़ों के अंदर, बंकरों के अंदर। इसलिए उसने हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, लेकिन चीन को यह चीज पता ही नहीं है कि पहाड़ों में मिसाइल हमला करना बहुत ही मुश्किल है, और भारत को यह पता है कि मिसाइल हमला करना बहुत मुश्किल था, इसलिए भारत ने ब्रह्मोस बनाई। भारत के जो पहले के सेना प्रमुख थे उन्होंने क्यों कहा था कि हम 5 दिन के अंदर अंदर चीन ने सीमा पे जितने भी निर्माण कार्य किए हैं हम 5 दिन के अंदर ही अंदर उन सबको नष्ट कर सकते हैं। वो उन्होंने इसीलिए कहा था कि उनको पता है कि हमारी मिसाइलें कहीं पर भी हमला कर सकती है, क्योंकि हमने कारगिल वार लड़ी है, उसके बाद हमने सबक लिया है, और चीन सोच रहा है कि हम लेजर गाइडेड बम से ही काम चला देंगे पहाड़ों में, लेकिन चीन को ये पता नहीं कि लेजर गाइडेड बम उतने उपयोगी नहीं है। भारत ने
1999 में इतने लेजर गाइडेड बम फेंके और तब जाके कहीं 5,000 पाकिस्तानी सैनिक वहां से भागे। तो भारत की इतनी बड़ी विशाल सेना को चीन के लेजर गाइडेड बम पीछे नहीं धकेल सकते हैं। रही एयर फोर्स की बात, चीन की एयर फोर्स की बात, तो चीन का जो तिब्बत का पठार है वो बहुत ऊंचा है, लगभग 5,000 मीटर ऊंचा है, इसलिए चीन को बहुत दूर से आना पड़ता है, 4,000 किलोमीटर दूर से अपनी जो लड़ाई की सामग्री है वो लानी पड़ती है। इसलिए चीन बहुत भारी मात्रा में वहां से हथियार नहीं ला सकता है, जबकि भारत का आदमी यदि पैदल पैदल भी चलेंगे तो 4 दिन में बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे, और चीन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो आप मान के चले कि हिमालय में इस समय भारत को हराना चीन के लिए बहुत मुश्किल है। 1962 में तो केवल 12,000 भारतीय सैनिक थे और 80,000 चीन की सेना थी, उसमें भी 12,000 भारतीय सेना बैठ रखी थी, यानी लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, लड़ने की तैयारी उसने बिल्कुल नहीं की थी। तो मान सकते हैं 1962 में इसीलिए भारत हारा, उसे हारना भी नहीं कहते हैं, उसे धोखा कहते हैं, चीन ने धोखा किया। आपको पता होगा कि जब 1962 में चीन ने असम उत्तराखंड का कुछ इलाका कब्जा कर लिया था, लेकिन जब भारतीय सेना गई तो चीन को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि चीन को पता लग गया कि अब बड़ा युद्ध हो सकता है। और रही चीन के युद्ध लड़ने का जो अनुभव है उसके बारे में, तो आप तो जानते ही हैं कि जापान ने, एक छोटे से देश ने चीन को बुरी कदर कई बार हराया। उसके बाद चीन वियतनाम से लड़ा, वियतनाम ने कंबोडिया को कब्जा कर दिया था, चीन कंबोडिया को आज़ाद कराने के लिए अपनी सेना से वियतनाम पे हमला करवाया, वियतनाम ने चीन को हरा दिया। उसके बाद 10 साल तक कंबोडिया पे वियतनाम का और कब्जा रहा, लेकिन चीन आज़ाद नहीं करवा पाया, क्योंकि चीन की सेना को वियतनाम ने बुरी कदर हरा दिया था। उसके बाद सोवियत संघ के साथ में सीमा विवाद हुआ चाइना का, सोवियत संघ ने चीन की पूरी टैंक आर्मी ही नष्ट कर दी थी। फिर चोला नाथुला में भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में छोटी सी लड़ाई हुई 4-5 दिन की, उसमें भी भारतीय सेना ने चीन को बुरी कदर हराया। और सही से देखें तो चीन ने एयरफोर्स की लड़ाई कभी लड़ी ही नहीं है, नेवी की लड़ाई कभी लड़ी ही नहीं है। भारत ने प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में अपने 25 लाख सेना उतारी। भारत को एयरफोर्स का अनुभव 1932 से ही है, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि भारत ने इतने युद्ध लड़े हैं कि अभी MiG-21 से भारतीय पायलट अभिनंदन ने F-16 को गिरा दिया। F-16 जो अत्याधुनिक फाइटर प्लेन है और MiG-21 जो है वो बहुत पुराने जमाने का है। तो आप मान के चल सकते हैं कि भारत की सेना को युद्ध लड़ने का बहुत ही अच्छा अनुभव है, चाहे वो एयरफोर्स का हो चाहे वो नेवी का हो। नेवी का युद्ध भी भारतीय सेना बहुत अच्छे से लड़ती है। इसका उदाहरण आपने 1965 में देखा होगा, 1971 में भी देखा है, जब अमेरिकी सेना भारत पे हमला करने के लिए आई थी हिंद महासागर में, लेकिन अमेरिका को लगा कि भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स जमीन से हमला करके हमारे सेना को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती है, तो अमेरिका ने भारत पे बंगाल की खाड़ी से हमला नहीं किया। जबकि उस समय भारत ने पूरे चटगांव में पाकिस्तानी आर्मी को एकदम नेस्तानुभूत कर दिया था, लेकिन फिर भी अमेरिका भारत पे हमला नहीं कर पाया, क्योंकि उसे मालूम था कि भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स जमीन से भी हमला करेगी तो भी हमारे जहाजों को नष्ट कर देगी। और उस समय अमेरिका के पास में उतने एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं थे। चीन यदि सोचता है कि वह हिंद महासागर में भारत पे हमला करेगा, हालांकि चीन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता है, क्योंकि चीन के पास में हिंद महासागर में आने के लिए कोई साधन नहीं है, उसके पास में एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और उस एयरक्राफ्ट कैरियर को वो हिंद महासागर में नहीं ला सकता है। हाँ, प्यार से, भारत की रजामंदी से तो ला सकता है, लेकिन युद्ध के समय में बिल्कुल नहीं ला सकता है, क्योंकि उसे एक तो स्टेट ऑफ मलक्का पार करना पड़ेगा और एक ये जो ऑस्ट्रेलिया के बगल में सुंडा है वो पार करना पड़ेगा। और स्टेट ऑफ मलक्का हुआ या अंडमान निकोबार हुआ, यहाँ पे भारतीय नेवी बहुत बड़े ताकत की स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। अब ऑस्ट्रेलिया ने कोकोस जो द्वीप है
उसको भारत को दे दिया, यानी सुंडा को भी पार करना अब चीन के लिए बहुत मुश्किल हो गया। यानी हिंद महासागर में चीन भारत से नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो तभी न लड़ेगा जब अपनी सेना वहां लाएगा। तो अपनी सेना लाएगा कहां से वहां, 4,000-5,000 किलोमीटर दूर? ऐसे तो कोई फाइटर प्लेन है नहीं कि जो 4,000-5,000 किलोमीटर दूर से भारत पे हमला करने आए हिंद महासागर के रास्ते। तो चीन अपनी सेना हिंद महासागर में बिल्कुल नहीं ला सकता है। और हिंद महासागर में चीन का जो 83% व्यापारिक रूट है उसे भारत रोक सकता है, यानी चीन की सारी सप्लाई भारत हिंद महासागर में रोक सकता है। चीन वहां पे भारत का कुछ भी नहीं कर सकता है। जब अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है, जो 20 एयरक्राफ्ट कैरियर रखा हुआ है, तो चाइना कैसे कर लेगा? हालांकि अमेरिका के 20 एयरक्राफ्ट कैरियर से भारतीय नेवी या चाइनीज नेवी मिल भी जाए तो भी नहीं जीत सकती है, ये बात तो सच है। लेकिन एक दो एयरक्राफ्ट कैरियर के बस की बात नहीं है कि वो हिंद महासागर में घुस जाए, क्योंकि वो भारत का प्रभाव क्षेत्र है। इसलिए हिंद महासागर में चीन और भारत के बीच में लड़ाई होगी ही नहीं। रही साउथ चाइना सी की बात, तो साउथ चाइना सी 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर चीन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पेट्रोल के बहुत बड़े भंडार मौजूद हैं, और तिब्बत भी चीन के लिए उतना ही जरूरी है। इसलिए चीन को या चीन भारत से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यदि चीन थोड़ा भी और सेना को हिमालय पर बढ़ाता है और साउथ चाइना सी से खाली करता है, तो वियतनाम जैसे उदंड देश हैं जो घुस जाएंगे साउथ चाइना सी में और कब्जा कर लेंगे पूरा, और फिर चीन को पीछे हटाना ही मुश्किल हो जाएगा वियतनाम को। और अमेरिका तो इसी इंतजार में बैठा है कि चीन यहां से कुछ सेना कम करे, ताकि मैं पूरे साउथ चाइना सी को कब्जे में कर लूं। यानी भारत से लड़ने के लिए चीन को अपनी 80-75% ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यदि चीन भारत के खिलाफ 80% और 75% ताकत का इस्तेमाल करता है, तो साउथ चाइना सी तो उसके हाथ से गया। तो साउथ चाइना सी से चीन अपनी आर्मी नहीं हटा सकता है, इसलिए वो अपनी 80% ताकत भारत के खिलाफ लड़ने में नहीं लगा सकता है। और चीन यदि 80-75% से कम ताकत भारत के खिलाफ लड़ने में लगाता है तो वो हार जाएगा। और चीन के सपोर्ट में कोई देश है भी नहीं। आपने WHO में देख ही लिया होगा, चीन के सपोर्ट में केवल नेपाल, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया ही थे। रूस भी वहां पे मौन हो गया, और 62 देश भारत के पक्ष में थे। तो आपने भारत का इंटरनेशनल सपोर्ट देख लिया होगा। चीन की सेना भारत से ताकतवर है, बिल्कुल है, लेकिन उसके पास में युद्ध लड़ने का बिल्कुल अनुभव नहीं है। उसने केवल युद्ध की प्रैक्टिस की है, युद्ध लड़े नहीं है। भारत 1960 से एयरक्राफ्ट कैरियर चला रहा है, और चीन 2000 में एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आया। चीन को तो ये भी पता नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर से युद्ध लड़ते कैसे हैं। प्रैक्टिस अलग चीज हो गई और युद्ध लड़ना अलग चीज हो गई। तो भारत ने इतने युद्ध लड़ लिए हैं कि उसको हर फील्ड का पता है कि कैसे हमला करना है, कैसे युद्ध लड़ना है। और परमाणु युद्ध तो हो नहीं सकता, क्योंकि परमाणु युद्ध हुआ तो दोनों तरफ की करोड़ों जनसंख्या मर जाएगी, इसलिए परमाणु युद्ध होने की तो संभावना ही नहीं है। एक दूसरे के उपग्रह नष्ट करना, इस मामले में अगर यह भी लड़ाई होती है उपग्रहों को नष्ट करने की, तो भारत एक बार में 104 उपग्रह छोड़ने का रिकॉर्ड भी बनाया है, और चीन एक बार में 20 से ज्यादा उपग्रह नहीं छोड़ सकता है। उपग्रह छोड़ने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भारत के पास में है, भारत के नाम दर्ज है। तो उपग्रह वार भी नहीं होगी। वार कहां होगी? केवल और केवल हिमालय में, और हिमालय में चीन अपनी पूरी सेना नहीं भेज सकता है। और चीन पूरी सेना भेजेगा नहीं तो वो युद्ध कैसे जीतेगा? और यदि ये हिमालय में युद्ध तेज होता है तो अमेरिका पूरी ताकत लगा देगा तिब्बत को आजाद कराने के लिए। वैसे भी भारत और अमेरिका के बहुत सारे सैन्य समझौते हो रखे हैं। भारतीय सेना जब युद्ध लड़ेगी तो गुपचुप रूप से उसे अमेरिकी मदद तो मिलेगी ही मिलेगी। पाकिस्तान की बात जहां तक है, तो पाकिस्तान भी हमला नहीं करेगा। यदि बाय द वे कर भी लेता है, पहली बात की पाकिस्तान हमला इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान को सऊदी अरब की बातें ही माननी पड़ती है, और सऊदी अरब
वही करता है जो अमेरिका कहता है। तो पाकिस्तान इस युद्ध में नहीं कूदेगा। पाकिस्तान यदि इस युद्ध में कूदेगा तो शायद पाकिस्तान में खाना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी उसकी अर्थव्यवस्था वेनेजुएला या सीरिया से भी खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान इस युद्ध में कूदे कहीं नहीं लग रहा है। हो सकता है चीन उसको पैसा दे के भारत को इंगेज कराने की कोशिश करे, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर पार बिल्कुल नहीं करेगा। वो सीमा से छुटपुट गोलाबारी कर सकता है। और यदि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, बाय द वे एक बात बता रहा हूं, तो आप 100% इस चीज को जान लेना कि पाकिस्तान को इस बार भारत पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि हमारे 60 साल पुराने फाइटर प्लेन पाकिस्तान के अत्याधुनिक फाइटर प्लेनों को मार गिरा दे रहे हैं। तो आपको पाकिस्तान की ताकत समझ में आ गई होगी कि पाकिस्तान हमारे 1960 की सेना से भी नहीं लड़ सकता है। पाकिस्तान जब भी भारत से लड़ा है उसे अमेरिका का पूरा सपोर्ट रहा है, यूरोपियन यूनियन का पूरा सपोर्ट रहा है, लेकिन इस बार यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भारत के पक्ष में खड़ा है। रही रूस की बात, तो भारत यदि इस युद्ध में हार गया उदाहरण के लिए, तो रूस के तो हथियार बाजार ही खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि रूस के हथियारों पर से भारत का भरोसा, दुनिया का भरोसा पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत के 65% जो हथियार हैं वो रूस के ही हैं। इसलिए रूस तो किसी भी हाल में भारत को विजयी बनाने की कोशिश करेगा, हालांकि वो सामने बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि भारत में वो अपनी गुडविल कभी खराब नहीं करवा सकता है। 130 करोड़ लोगों का समर्थन वो नहीं जाने देना चाहता है, क्योंकि चीन के लोग रूस को समर्थन नहीं करते हैं, और अब तो चीन के लोग रशियन आदमियों से अपने को ज्यादा सीनियर समझने लग गए हैं। इसलिए रूस की जनता भी चीन के समर्थन में कहीं पर खड़ी नजर नहीं आ रही है। रूस की बात छोड़ देते हैं, वो भारत को हथियार सप्लाई बराबर करेगा और चीन को हथियार सप्लाई बराबर करेगा। हाँ, चीन को थोड़ा कम, क्योंकि चीन को रशियन हथियारों की उतनी जरूरत नहीं है। तो आपको कहां से लग रहा है कि चीन ये युद्ध जीत जाएगा? कुछ पाकिस्तानी और नेपाली लोग कहते हैं, उत्तर कोरियाई लोग, कि चीन जीत जाएगा। चीन कहां से जीतेगा, आपको कहां से लग रहा? साउथ चाइना सी में जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस सब चीन के विरोध में खड़े हैं। सपोर्ट में मात्र पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और नेपाल, यही मात्र सपोर्ट में खड़े हैं। बांग्लादेश भारत को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो चारों तरफ से भारत से, तीन तरफ से भारत से घिरा है। चीन को तो मतलब ही नहीं वो सपोर्ट कर ले, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर एक बात निश्चित है कि बर्मा में जो रोहिंग्याओं को भगाया गया वो चीन के इशारे पर भगाया गया, क्योंकि वो चीन के इशारे पर ही भगाया गया है। इसलिए बांग्लादेश की जनता चीन को तो सपोर्ट कभी नहीं करेगी, और बांग्लादेश की जनता भारत में आती जाती रहती है, यानी बांग्लादेश के लाखों करोड़ों लोग भारत में आते हैं जाते हैं, जैसे नेपाल से संबंध है उसी टाइप का लगभग बांग्लादेश से भी भारत का संबंध है। तो बांग्लादेश तो चीन की सारी चालें समझता है, इसलिए बांग्लादेश कभी भी चीन के सपोर्ट में नहीं आएगा, बल्कि अपने हवाई मार्ग का इस्तेमाल चीन पे हमला करने के लिए बांग्लादेश निश्चित तौर पर देगा, क्योंकि बांग्लादेश भी सऊदी अरब का कहना नहीं टाल सकता है, और सऊदी अरब वही कहता है जो अमेरिका कहता है। हालांकि बांग्लादेश की उतनी आवश्यकता भारत को नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश तो अंडमान निकोबार में जो भारतीय नेवी बैठी है उससे चारों तरफ से घिर रखा है। बांग्लादेश चारों तरफ भारत से ही घिर रखा है, तीन तरफ स्थलीय मार्ग से और एक तरफ समुद्री मार्ग से। तो बांग्लादेश भारत के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, बल्कि भारत के प्रेशर पे अपना हवाई मार्ग भी भारत को उपयोग करने के लिए देगा। तो आपको कहां से लग रहा है कि चीन भारत की लड़ाई में चीन जीत जाएगा? हमें तो कहीं नहीं लग रहा है कि चीन जीत जाएगा।